पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गोरखपुर के 37वें दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन, गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्य सहित मेधावी छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल राम नाईक ने किया। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पूर्व राज्यपाल ने एनसीसी कैंडेटों से परिचय प्राप्त किया और समारोह में अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की। उसके बाद राज्यपाल ने एनसीसी के स्वयंसेवकों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी कराई। इसके बाद राज्यपाल और अतिथि विधिवत यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर कुलपति ने अतिथियों का स्वागत किया। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने वार्षिक परीक्षा 2018 में सर्वोच्च अंक पाने वाले 47 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी और 47 में से 36 पदक पर अपना परचम लहराया। मेडल मिलते ही मेधावियों के चेहरे खिल उठे। सर्वाधिक पदक पाने वालों में एमएससी गणित की छात्रा मान्या मणि त्रिपाठी और शालू मदेशिया के अलावा 120 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ने कहा कि कल जब आप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी कमर कसेंगे तो तीन चीजें हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। पहला, अपने डर पर विजय प्राप्त करना। दूसरा, निर्धारित जोखिम उठाना। तीसरा, ऐसी विचारधारा जो नवोन्मेष हो। नई ऊंचाइयों व सफलता को पाने के लिए नवाचार व सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। इस समय हम जिन खोजों, आविष्कारों व लाभों का उपयोग कर रहे हैं वे सभी नवाचार व किसी बिंदु पर हुई आकस्मिक खोजों का परिणाम है। अपने संबोधन में राज्यपाल राम नाईक ने सभी मेधावियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में कभी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। अगर असफलता मिलती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता के बाद मिलने वाली सफलता का कोई तोड़ नहीं है। लगन और मेहनत से परिश्रम करें और अच्छे नतीजों के साथ देश के विकास में लग जाएं। तू मर जा। कैप्टन मर गया। मोटी पोर बटा दिए। जान दो। मोटी पोर बटा दिए। मोटी पोर बटा दिए। सर्विस बटा दिए। दस बॉय। जान दो। 15 दस। 15 दस की दे। पूरा हो गया सही। यहाँ पे लिखा है सब देते। मोटी लेवल से भी बने। राजेश
से हम आह्लादित हैं। उत्साह वादन करना एवं आशीर्वाद प्रदान करना हम सब के लिए। एक असाधारण लोक नेता के रूप में हम आपका स्वागत कर आह्लादित हैं।
महोदय, महाराष्ट्र के बोरीवली विधानसभा से 3 बार विधायक के रूप में एवं महाराष्ट्र के ही उत्तर मुंबई लोकसभा से लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित होना आपके जनप्रिय राजनेता का प्रमाण है। क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। आपकी वैज्ञानिक उपलब्धियां हमारे विश्वविद्यालय के उपाधि धारकों एवं स्वर्ण पदक विजेता छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा। आगे प्रथम बार ऑनलाइन पुस्तक एवं जर्नल्स की सुविधा प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर JCI गोरखपुर मिडटाउन के सहयोग से निर्मित 101 ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया है। गोरखपुर के परिसर में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दीनदयाल स्पोर्ट पिच के लिए स्थापना की जा चुकी है, जो की सरकार सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय में 9 नियुक्त हुए हमारे शिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार, गणित विभाग डॉक्टर स्मृति मल, वनस्पति विज्ञान विभाग को UGC नई दिल्ली के द्वारा स्टार्टअप ग्रांट तथा डॉक्टर उदय भान सिंह भौतिक विभाग को BSc कोठारी के DSG इंस्पायर फेलोशिप प्राप्त हो गई है। इसी सत्र से विश्वविद्यालय में प्रथम बार इंटीग्रेटेड पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम का भी संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। महोदय, भविष्य की योजनाओं में जिसमें से मुख्यतः इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को पुनः जीवित करके स्थापित करना, महायोगी श्री गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ का कार्य का संचालन करना, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद NAC के द्वारा मूल्यांकन कराना और वर्षों से लंबित शोध पाठ्यक्रम परीक्षा RET का आयोजन कराया जाना हमारे मुख्य कार्य है। श्रीमान, हम अपने विद्यार्थियों की कुशलता को श्रेष्ठ मानकों के अनुसार विकसित कर सकें, राष्ट्र निर्माण सामाजिक विकास के लिए अपने छात्र छात्राओं को वांछित कौशल से वृद्धि कर सकें, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा अभिष्ट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय कुलाधिपति जी एवं मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद हम सभी वृद्धजनों को निरंतर प्राप्त होता रहेगा, ताकि हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। श्री राम नाइक जी एवं आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर के सीवन जी का मैं पुनः अभिनंदन करते हुए समारोह में उनकी अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने के लिए हम आप सभी के लिए आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो, देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, उनके आचरण को आदर्श मानकर कार्य करो, यही आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यही अनुशासन है, इसका किसी रीति से पालन करो। प्राप्त करने के लिए ज्यादा कौन पता, प्रमोटिव देवी कौन पता,
The students who have excelled in the university level.
My congratulations to the teachers who really played a key role in shaping the young minds of the students. Also, I would like to thank, as well as congratulate the parents of the students. In fact, the parents will be remembering this particular day more than the students. You have gone through your respective disciplines. Now you got a degree. Now you are really coming to the world, to face the world. Also, you have a bigger role of the national development and building process. And whatever required for this purpose is a knowledge, wisdom, all these things this university is given to you. And so definitely with this support, you can really lead a successful career ahead to improve your job. As I distinctly see the sparkling eyes in front of me, I really see something from me on you. This I could see the energy of hundreds of youth, and this the energy is capable of creating the thousands of path with millions of opportunities for national development. National development will not only require effort, but also the knowledge and wisdom which this university is given to you. And really, when I am seeing that a lot of the students in front of me, I see a little bit of myself in all of you. I remember my students' days. Here, what comes to my mind is that my presence here as a qualification speaker, I am coming from the extreme southmost tip of the country. I am coming to the northmost tip of the country to give a qualification. This, I would say, is a miracle. And I must thank the management for giving me this opportunity to deliver qualification address as well as to mingle with you, all your people. I come from a humble farming family from Kanyakumari district. And when other countries are afraid to go to the place near South Pole, we are glad to go there, India, and we are going to achieve. And by this process, India is going to create a history in the world science of the world science. Another innovation what we are talking is that we are going to have one small satellite launch vehicle. It is also an innovative vehicle. When we have a bigger vehicle, it takes around 75 days to make. And it is around 700 people required to work. We are making a vehicle which makes only not 75 days, I want 70 hours. And instead of 700 people, I want only 3 people. This is an innovative satellite vehicle. It is going to come by next year. All of us are aware, our Honorable Prime Minister declared in the last day, Independence Day speech, by 75th day of Independence Day celebrations of India, the India ISRO has to put man in the space. That is, before 2022, that is, ISRO is going to put 3 astronauts into the orbit with 7 days travel. And these astronauts are going to wave the Indian flag from space. We are going to do this one. And if you see, for you people, the opportunities are many. And don't think India is the poor. I am telling India is the richest country. मैं हमारे मुख्य अतिथि को धन्यवाद देता हूँ, वो लंबी यात्रा करके यहाँ पर आए हैं।
लेकिन गोरखपुर में आपने जो कहा है उसका लाभ केवल गोरखपुर इस विश्वविद्यालय को ही नहीं तो सारे उत्तर प्रदेश को होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप हिंदी में बना लीजिए और जितने छात्रों को उपाधि दी गई है केवल यहाँ ले हुए नहीं, आपको मालूम है कितने छात्रों को आज आपके द्वारा उपाधि प्राप्त दी है, ये सबको हिंदी में आपने डिग्री के साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा आपको सुझाव है। विद्यार्थियों को तो लगेगा ही, लेकिन उनके जो अभिभावक हैं, वो जब पढ़ेंगे तब हिंदुस्तान आज कहाँ है इसकी जानकारी उनको लग सकती है, नहीं तो कभी कभी हम लोग आत्मनिंदा के शिकार हो जाते हैं और आत्मनिंदा करते करते कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इस प्रकार चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का इस प्रकार का उद्बोधक और प्रेरणादायक भाषण करने के लिए मैं मुख्य अतिथि को धन्यवाद देता हूँ। एक जमाना था कि आपका विश्वविद्यालय कब स्थापन हुआ है, कितने साल हो गए? 62 साल हो गए। मैंने जानबूझकर उनको खड़ा किया, लेकिन यह जो दीक्षांत समारोह है वो 37th है। इतने वर्षों में 37th दीक्षांत समारोह आज है, इसका मतलब यह है कि कुछ वर्ष ऐसे गए कि यहाँ दीक्षांत समारोह नहीं हुआ है, और आज जब मैं खड़ा हूँ तो मैं राज्यपाल बनकर 5 साल के लिए आया हूँ और मेरे जीवन का इस विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह है। विश्वविद्यालय के लिए और सारे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। और भी एक बात बता देता हूँ, मैं 28 विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हूँ, अब 2 नए विश्वविद्यालय है, 26 विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह होना है इस साल, इसमें से गए साल तो सब बराबर हो गए लेकिन इस साल है। और मैं जब कभी जाता हूँ तो कुछ पत्रकार मित्र मुझे पूछते भी रहते हैं, आप इतने सब जगह पर जा रहे हैं और आज एक के बाद एक इतने पारितोषक इतने गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, आपको खड़ा होकर थक नहीं जाते हैं क्या, ऐसा वो मुझे पूछते हैं, तो मैं उनको इतना ही बताता रहता हूँ। देखिए मैं कुलाधिपति हूँ, मेरे जीवन में तो मुझे एक मेडल कभी मिला नहीं, गोल्ड मेडल कोई और मिला नहीं, तो कम से कम मुझे ये तो भाग्य होना था। मैं आपको बताता हूँ, इस साल मैंने 20 विश्वविद्यालयों में जितने मेडल दिए हैं, इतने मेडल्स आज तक किसी ने भी नहीं दिए हैं, ऐसा रिकॉर्ड मेरे नाम। आधा घंटा खड़े हो जाए, खड़े को आए कुछ विद्यार्थी पहले दफे जब आते हैं तो थोड़े सीरियस हो जाते हैं, कुछ मुस्कराते भी रहते हैं, तो जो सीरियस होते हैं उनको मैं बताता हूँ कि कैमरा के वो देखो थोड़ा मुस्कराओ, फोटो अच्छा आता है। लेकिन ये मेरा अनुभव है ना, साल में दीक्षांत समारोह में मेडल्स दे रहा हूँ, तो मेडल देने के बाद जब एक फोटोग्राफर्स फोटो लेते हैं और वो फोटो आपको मिलता है और फिर घर में जाकर अपने माँ को अपने पिताजी को अपने मित्रों को दिखाते हैं, तो उस समय पर मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है सबको, इसलिए मैं हरे को कह रहा था जरा मुस्कुराओ मुस्कुराओ। गोरखपुर के बारे में मैंने कुछ की विशेषता के बारे में कुछ
कहना आवश्यक नहीं हो। 5 साल और बीच बीच में मैं कई साल कई समय पर आता रहा हूँ। यहाँ पर कैसे कहूँ पता नहीं चलता है कि विलक्षण अंचल है और ये विलक्षण अंचल में भगवान बुद्ध भी रहे हैं, गुरु गोरक्षनाथ भी रहे हैं, संत कबीर भी रहे हैं और विश्व में प्रसिद्ध गीता प्रेस भी यहाँ पर ही है। ऐसा एक अद्भुत इस प्रकार का ये क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्र से सभी छात्रों को आज दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त हुई है। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, करता हूँ। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर में शिक्षकों ने क्लास में जाना है, विद्यार्थियों ने भी क्लास में जाना है, शिक्षा के बाद परीक्षा आ जाती है, परीक्षा आती है तो फिर नकलविहीन परीक्षा कैसे होती है वह भी देखने की जरूरत होती है, फिर परिणाम वह भी समय पर आए और परिणाम समय पर आने के बाद दीक्षांत समारोह वह भी समय पर हो। यह एक शिक्षा शैक्षिक कैलेंडर जो है वो कैलेंडर बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर पूरा हुआ है और अधिकारी कर्मचारीगण और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि जिसके लिए विश्वविद्यालय होता है ऐसा सारा काम ठीक ढंग से हुआ है और ऐसे में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो वैज्ञानिक डॉक्टर शिवन जी के बारे में मैंने सुबह पहले ही कह दिया कि ऐसी बात कल्पना नहीं हो सकती है कि विश्व में है, दुनिया में है क्या और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त किए हुए व्यक्ति का जो अनुभव सुनने के लिए मिलता है तो मुझे लगता है कि वही इसी में से प्रेरणा मिलती है और ऐसी प्रेरणा मिलती है। इसलिए मुख्य वक्ता कौन हो इसके बारे में चिंतन करना जरूरी होती है और ये जो सारा काम है वो कुलपति और एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती रहती है और इसे कुलपति के साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। और इसके कारण छात्रों को एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि वो हमेशा काम करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे और ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए मैं फिर एक बार डॉक्टर शिवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके जीवन का तो ये पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है और अब आज से दूसरे पड़ाव की यात्रा प्रारंभ होगी और ऐसी यात्रा जब आप प्रारंभ करेंगे और उस समय पर पहले मैं आपका हृदय से फिर एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो आपने पाया है उसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं बीकॉम 1954 में मतलब 68 साल के पहले मैंने बीकॉम की परीक्षा पास की है। आप लोगों को ऐसा न लगे कि मैंने कुछ कहा है इसलिए मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन 1954 में मतलब 68 साल के पहले मैंने बीकॉम की परीक्षा पास की। तो बीकॉम की पढ़ाई जो करता है और थोड़ी अच्छी पढ़ाई करता है तो उसको आंकड़ों के साथ खेलने की भी एक आदत लगती है। वैसे ये सब जो भी उन्होंने रिपोर्ट किया उसमें आप कितना समझे, पत्रकार कितना समझे और मैं कितना समझे, मेरी एक अलग दृष्टि होती है। तो उस अलग दृष्टि में यह जो
कुल मिलाकर हम दीक्षांत समारोह करते हैं उसके आंकड़े कैसे बोलते हैं वो मैं पहले आपके विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ और फिर उत्तर प्रदेश में भी क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस समय पर जिनको उपाधि दी गई है उसकी संख्या है 75,908 और उसमें छात्र है 27,212 और छात्राएं है 48,696। तो फिर आप तय करना कि कितने जोर से तालियां बजानी है या नहीं बजानी है। ये जो छात्रों का परसेंटेज है वो 36% है। यहाँ कितने 35 को पास होते हैं 33। तो ठीक है पास हो गए। और छात्राओं का जो परसेंटेज है डिग्री प्राप्त करने का वो है 64। और जो पदक दिए गए हैं वो पदकों की कुल संख्या है 131। उसमें छात्रों को लड़कों को क्या ख्याल छात्राओं कहते कहते इधर उधर हो जाता है लड़का और लड़कियां कहता हूँ जरा आसान रहेगा मेरे मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है ये ख्याल रखिए फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो लड़कों का परसेंटेज है 18 और लड़कियों का परसेंटेज है 82। इस साल का मेरा ये 20वां दीक्षांत समारोह तो ये आपके मैं हर जगह पर लेते रहता हूँ और इसमें मैं ये भी ये जो पदक दिए जाते हैं वो पदकों का भी परसेंटेज निकालता रहता हूँ। तो 20 दीक्षांत समारोह में सबसे हाईएस्ट पदक लड़कियों को कहाँ मिले हैं तो 82% आपके विश्वविद्यालय कितनी जबरदस्त होती है उसके लिए मैं बताऊं कि छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उसमें लड़कियों को मिले हैं 81%। काशी विद्यापीठ को भी 81% लड़कों को मिले। मतलब स्पर्धा 1-1% से कैसी होती है और 81 के बदले में 82 मिलता है तो कैसी खुशियां होती है इसका अनुभव तो आप सब करते हैं। अब ये तो अभी का हो गया। गए साल में सभी विश्वविद्यालयों को मिलकर जिनको उपाधियां दी गई 26 विश्वविद्यालयों की उनकी उपाधियों की संख्या है 15,60,000। उसमें छात्राएं है 7.98 लाख। मैं ज्यादा आपसे नहीं बताऊंगा तो ये जो परसेंटेज है वो 51% है। यानी सारे उत्तर प्रदेश में जो डिग्रियां गए समय पर दी गई है साल उसमें 51% लड़कियां को दी गई है। मतलब हम बात करते रहते हैं कि महिला सशक्तिकरण अब महिला 51% होना यह भी बहुत बड़ी बात है और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैंने इस बात के लिए इसलिए कभी कभी
हम आत्मनिंदा बहुत करते हैं और आत्मनिंदा से थोड़ा बाहर आकर क्या हो रहा है ये हम भी देखें और उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी देखें, इसलिए मैं ये आंकड़े बता रहा हूँ। और जो मदद किए जाते हैं उसमें ऐसा 1653 मदद किए गए, उसमें से लड़कियों को 1085 मिले, इसका मतलब है 66% पूरे सभी विश्वविद्यालयों में मिलकर लड़कियों को 66% मिले, यह भी एक अच्छी फिगर है, विमान लेने जैसी फिगर है। और इसलिए मुझे लगा कि ये मैं आपके सामने बताऊं और आपके सामने बताता हूं। तो अभी 20 जो विश्वविद्यालयों का हुआ है वो भी आखिर मैं आपको बताता हूं। आज का आपका तो 20 75 लाख को डिग्री थी, इसका मतलब है परसेंटेज में 55% लड़कियों को इस समय पर मिली है। वहाँ से 55 होना यह बहुत लंबी छलांग महिलाओं ने लड़कियों ने लगाई है और अपने आप में ये बोल देता है कि किस प्रकार से ये विकास हो रहा है। ऐसी बड़ी लंबी छलांग लगाने के लिए सारे महिला छात्रों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मंत्री था उस चर्चा का सब चर्चा में सहभागी था, तो उस समय पर ही निर्णय लिया गया था। आपको भी याद होगा कि अभियान चला सर्व शिक्षा अभियान। अब हिसाब के लिए मैं बता रहा हूँ, सर्व शिक्षा अभियान का मतलब हर एक को शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो पुरुष हो महिला हो, तो सबको शिक्षा देने की स्थिति में प्रारंभ जब हुआ तो जो उस समय पर स्कूल में गए 5 साल का होगा 6 साल का होगा 7 साल का होगा, 2000 से आप विचार करेंगे तो 18 साल पूरे हो गए, तो उस समय पर 6 साल का 7 साल का लड़का लड़की हो तो अभी कॉलेज की उम्र में आगे है, कोई डिग्री प्राप्त करने के उम्र में आए और एक जो छोटा सा पौधा उस समय पर लगाया गया था सर्व शिक्षा अभियान का, उसका देखते देखते वटवृक्ष हुआ है और ये वटवृक्ष बनने में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बेटी बचाओ, यदि अपनी इच्छा शक्ति मजबूत है तो इच्छा शक्ति के आधार पर आप यदि हम कहते हैं ना कि पंगु है तो इच्छा शक्ति होगी तो पहाड़ भी चला जाता है, तो इस भूमिका में अपनी इच्छा शक्ति जीवन में बहुत मजबूत रखनी चाहिए और इसी के आधार पर अब आपके दूसरे जीवन का जो पड़ाव यात्रा आप प्रारंभ कर रहे हैं उस समय पर ये बात आप ध्यान में रखें। एक सहयोग की बात है कि गए सप्ताह में ही देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने उत्तर प्रदेश में आए थे और इलाहाबाद के एक यूनिवर्सिटी में उनका भाषण हुआ, फिर वहाँ का जो हाईकोर्ट है उच्च न्यायालय है उनका भी भाषण हुआ और उस भाषण में उन्होंने 3M की बात की, जीवन में विद्यार्थियों ने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे ये शपथ है वैसे उन्होंने कहा कि भाई 3M का ख्याल रखो, तो 3M मुझे तो अच्छा लगा वो शब्द। पहला M ये है कि माता पिता और गुरुजन, आप माता पिता गुरुजनों को, उन्होंने कहा कि मातृभाषा, अपनी जो मातृभाषा होगी वो मातृभाषा में व्यवहार करो, इसका मतलब आप अंग्रेजी सीखो नहीं ऐसा नहीं है, आप और भाषा भी सीख सकते हैं लेकिन अपनी मातृभाषा जो है वो अपनी मातृभाषा में आपने व्यवहार करना चाहिए, उस पर एक के दृष्टि से अपना ऐसा वातावरण रहना चाहिए, नहीं तो कभी कभी होते हैं मालूम होता है कि तो उसकी भाषा मुंबई में मराठी में होता है यहाँ हिंदी में भी होता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो बाहर का आदमी है तो उसको हिंदी के बदले में अंग्रेजी में
और अंग्रेजी बोलते इसमें 10 गलतियां करते होंगे, लेकिन अंग्रेजी बोलने का एक मोह होता है। तो अपनी मातृभाषा के बारे में एक अभिमान रखना चाहिए। और तीसरा बात उन्होंने बताया कि इसके साथ ही साथ मातृभूमि के बारे में भी अपने मन में वही भाव रखना चाहिए, मदरलैंड। यानी ये तीन एम उन्होंने कहा कि आप जीवन में हमेशा ख्याल में रखें। मुझे लगा कि वो बात आपको बताना मुझे अच्छा लगा, तो अपने को अच्छा लगता है और दूसरे को बताना एक आनंद भी देता है। आपने मार्क किया या नहीं मुझे मालूम नहीं है, राज्यपाल के नाते और मुख्यमंत्री जी जो है वह उसके कार्याध्यक्ष है, तो उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में सब चर्चा होने के बाद यहाँ के संतों ने एक प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष मैं हूँ तो मुझे पूछा आपको एक कहना है, मैंने कहा पूछिए बताइए। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि हमने कई साल से कई वर्षों से हम ये मांग कर रहे हैं कि इसका जो मूल नाम था, क्या नाम था आपको सबको मालूम है, तो मैंने ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 444 साल के पहले अकबर के पहले जो नाम प्रयागराज या प्रयाग था वो नाम फिर से संस्थापित करना चाहिए। देखिए, फिर से नाम देना चाहिए और फिर से संस्थापित करना चाहिए, इसमें भी एक अंतर है। नया नाम देना अलग बात है, लेकिन पहले का नाम फिर से देना, संस्थापित करना, तो उस दिन प्रयागराज ये नाम संस्थापित हुआ। मुझे लगता है कि वो प्रस्ताव को 100 लोगों ने किया होगा, लेकिन सारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो सारे हिंदुस्तान में एक लहर गई कि जहाँ हजारों साल हम प्रयाग कहते आए हैं, उस प्रयाग का अब फिर से नाम मिल गया शहर को। मुझे लगा कि ये बात मैंने इस भूमिका में आपको बताई कि जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन जहाँ जहाँ होता है या जहाँ जहाँ होना चाहिए, इसमें भी बुद्धिमान जो होते हैं उन्होंने अपना ख्याल करना चाहिए। और सारे आप जो आज यहाँ उपाधि प्राप्त हुए, आप उपाधियाँ मिल गई है, अपने जीवन में इसी भूमिका के साथ काम करना चाहिए। अब आज की दुनिया और पहले की दुनिया इसमें बड़ा अंतर है। अब माता पिता ने, गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है, सिखाया है कैसा जीवन में काम करना चाहिए, यह भी बताया है, और आपके पंखों में एक दृष्टि से ताकत कर दी। और जब मैं दूसरा पड़ाव की यात्रा कह रहा हूं तो दूसरे पड़ाव की यात्रा का जब उड़ान लगाने के लिए अब तैयार हुए हैं, तो ये उड़ान जब भरना है तो आप अवकाश में जाने के बाद अपने को पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। और इसलिए जब आप नया जीवन का, दूसरे जीवन का प्रारंभ करेंगे तो पहले जैसे नहीं है, अब इस जीवन में बड़ी स्पर्धा है। और ये बड़ी स्पर्धा, दुनिया छोटी हो गई है, व्यापार उद्योग के लिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले अपने गांव में, अपने प्रदेश में व्यापार उद्योग चलता था, लेकिन अब अमेरिका हो, चीन हो, सबका व्यापार एक जगह पर चलता है। दुनिया इतनी नजदीक आई है कि अब दीवान को जाने के लिए कितने महीने पहले लगते थे, लेकिन आज यहाँ खाली ऐसा किया तो दीवान में आवाज चला जाता है, दृश्य भी देखने के लिए मिलता है। तो ये दुनिया इतनी नजदीक आई है, तो ऐसे में कड़ी स्पर्धा, और ये कड़ी स्पर्धा में यदि आपको आगे जाना है तो मेरे नजर में प्रामाणिकता और पारदर्शिता यही आपके लिए दो साधन है जिसके आधार पर आप आगे जा सकते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट लगाने की आपने कोशिश की तो फिर आपके जीवन का जो भी ध्येय आपने रखा होगा वो निकल जाएगा। शॉर्टकट बहुत खतरनाक होता है और मेहनत ही अभी आपको आगे ले जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है कभी असफलता मिलती है, लेकिन असफलता मिलने के बाद दूसरों को दोष देना
या हमने आत्मनिरीक्षण कर रहा और आत्मनिरीक्षण करके कहां अपनी भूल हो गई है, इस पर यदि हम विचार करते हैं तो अपने आप उसको सुधारने का रास्ता हमें मिलता है और वो सुधारने के रास्ते हम फिर उस प्रकार से प्रयास करेंगे तो अपने आप आपको जो सफलता होती है वो आपके पैर चूमने के लिए आएगी। लेकिन प्रामाणिकता से कड़ी स्पर्धा है या ध्यान में रखकर आपको जीवन में काम करना होगा। और ये ख्याल में रखिए कि आज का दीक्षांत आपको उपाधि देने के लिए है। विद्या का कोई अंत नहीं होता, ज्ञान बढ़ता रहता है और बढ़ते हुए ज्ञान का आपके पास संदर्भ नहीं है तो शायद आप आगे उस गति से नहीं जा सके। देखिए जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर 15-20 साल के पहले कोई आंख का क्या मोती बिंदु कहते हैं हाँ, तो मोती बिंदु का ऑपरेशन करने के लिए 1.5-2 घंटा लगाते थे और फिर वो काला चश्मा लगाना है वगैरह वगैरह सब चलता था। अब मोती बिंदु का ऑपरेशन 5 मिनट में हो जाता है। अब यह जो विज्ञान की प्रगति है उस विज्ञान की प्रगति अपने अपने क्षेत्र में जो नई नई बातें होती है उसके लिए ज्ञान लगातार प्राप्त करने की एक आदत होनी चाहिए और ऐसे में जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। और ऐसी सफलता आपको मिलने के लिए एक अंतिम बात जो मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई कारण से मेरे पुस्तक का कोई संदर्भ देता रहता है, मैंने मेरे संस्मरण लिखे हैं मराठी में लिखे हैं और उसका हमने संस्मरणों का नाम चरैवती ऐसा दिया है। अब शायद मैं आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा भी कि वह पुस्तक मराठी में ओरिजिनल है लेकिन उसका बाद में हिंदी अंग्रेजी गुजराती उर्दू संस्कृत ऐसे 5 भाषा में अनुवाद हुआ है।